और पास नहीं हो सकता है, बहुत ज्यादा दूर है कैमरा आपका। चलिए ठीक है, कोशिश कीजिए। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ क्लाउड। आज क्लाउड के बारे में मनोरमा अपने यहाँ का साउंड बंद कीजिए, मनोरमा म्यूट कीजिए। आप लोग मुझे बताएंगे आप लोगों ने फ्लावर को देखा ही होगा। जी मैम, तो बताएंगे आप लोग फ्लावर के इम्पोर्टेंस क्या है। मैम आपकी आवाज बहुत स्लो है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आप लोग बताएंगे फ्लावर का क्या इम्पोर्टेंट है। फ्लावर का हम बहुत तरह से यूज करते हैं, पूजा पाठ में खास करके यूज करते हैं, घर डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं। बट उसको साइंटिफिक वे में कैसे बता सकते हैं हम। बहुत से वैसे फ्लावर है जिसका यूज हम मेडिसिन के रूप में, मेडिसिन बनाने के लिए करते हैं। अरे वही दिए थे ना आपको। ठीक है, वो सही है, बट जो फ्लावर होते हैं ना वो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो आज हम फ्लावर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं फ्लावर को डिफाइन करती हूँ कि फ्लावर क्या है। फ्लावर जो है, फ्लावर इज अ फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ part of angiospermic plant. एंजियोस्पर्मिक के बारे में जानते हैं। एंजियोस्पर्मिक मीन्स क्या होता है। एंजियोस्पर्मिक मींस क्या होता है? नहीं पता। नो, एंजियोस्पर्मिक मींस होते हैं वैसे ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर, हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं फ्लावर। सभी डायग्राम बनाएंगे कॉपी में। सभी बनाएंगे डायग्राम। सभी बनाएंगे ये पेटल्स है। नीतू जी मैम, डायग्राम क्लियर दिख रहा है? जी मैम। आकांक्षा, आकांक्षा यस मैम, आप डायग्राम बना रहे हो अच्छे से? यस मैम। तो आप हम मुझे बताएंगे ये क्या है। ये क्या है आकांक्षा? यस मैम, बताइए क्या क्वेश्चन। थोड़ा क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया। ये क्या है?
वो फूल है। ओके मैं बताती हूँ, ये जो है इसे हम कहते हैं पेटल्स। पेटल जो होते हैं वो फ्लावर के कलरफुल पार्ट होते हैं, जितने भी फ्लावर होते हैं उनके कलरफुल पार्ट को हम पेटल कहते हैं। देन इसे हम कहते हैं सेपल। सेपल जो होते हैं वो जब फ्लावर जो वो ग्रीन पार्ट होते हैं, जब फ्लावर बर्ड के फॉर्म में होते हैं, जब वो कली होते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ये सेपल। अब इस पार्ट को हम पेडिसेल कहते हैं। देन इस पार्ट को हम थैलमस कहते हैं। इसे हम फ्लावर का बेस भी कह सकते हैं क्योंकि पूरी जो फ्लावर होती है वो इस पे ही होती है, तो इसे हम थैलमस कहते हैं। देन जो ये वाला पार्ट है ये मेल पार्ट है, इसे मैं यहां ड्रॉ कर देती हूं। इस पार्ट को हम एंथर कहते हैं। इसे कलेक्टिंग कहते हैं। और इस पार्ट को हम फिलामेंट कहते हैं। अब ये तीनों को हम स्टामेन कहेंगे। तो ये जो स्टामेन है वो क्या है, मेल पार्ट फ्लावर की। और ये जो एंथर है, एंथर में क्या होता है, पॉलन ग्रेन। इसमें अगर हम इसको डाइसेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे इसमें पॉलन ग्रेन है। अब हम इस पार्ट को देखते हैं, ये जो है फीमेल पार्ट। ये जो है ओवरी है, ये अंदर में ओव्यूल, इसे हम, आप लोगों को डायग्राम क्लियर समझ में आ रहा है? नीतू आकांक्षा, यस मैम, फीमेल पार्ट कहते हैं। और आगे का मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी। सर सरिता, आपने पहले स्टार्ट किया ठीक है, लेकिन शायद आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए कि करना क्या था आज आपको। ब्लैक बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे तो पढ़ाना तो था ही नहीं, आ तो सिर्फ लिखना है। ब्लैक बोर्ड स्किल में सिर्फ ब्लैक बोर्ड वर्क है तो, और टाइमिंग ये सब चीज, इसीलिए मैंने किसी को टाइमिंग के लिए नहीं बोला। आपका काम आज पढ़ाना नहीं है, कैसे होगा नहीं समझ में आ रहा है, मैं इस पे खुद लिख करके मैं कोशिश करता हूँ। ब्लैक बोर्ड सही दिखाई दे रहा है, कैमरा ठीक है क्या? चलिए जैसे मैं यहाँ कुछ भी लिख रहा हूँ, मान लीजिए सरिता लिख रहा हूँ, दिखाई दे रहा है क्या? जी दे रहा है। ठीक, तो ध्यान रखने वाली बात है, जो आपने लेसन प्लान बनाया हुआ है, जो भी प्लान बनाया हुआ है, उस प्लान को आज कुछ नहीं करना है, पढ़ाना नहीं है, लिखना है। लिखने का तरीका कैसे होना चाहिए मैं उसको बता दे रहा हूँ, और उसी के हिसाब से आप लोग करेंगे। कैसे? फर्स्ट काम हमारा जो है, हमारा ब्लैक बोर्ड पे सबसे बड़ी हमारी एक प्रॉब्लम होती है कि हम ब्लैक बोर्ड पे कैसे क्या वर्क करें, कैसे करें जो बच्चे स्टूडेंट हैं स्टूडेंट को दिखाई दे। तो फर्स्ट काम, कोशिश हमारी 45 डिग्री का एंगल लगभग हो, एक तिरछापन हो, उसके अकॉर्डिंग हम करें। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो जितने भी सामने के बच्चे हैं उनको ब्लैक बोर्ड पर क्या लिख रहे हैं वो चीज दिखाई दे। अक्सर हम क्या करते हैं, कभी कभी देखते हैं बच्चों को ऐसे बच्चे लिख लेते हैं,
ऐसे खड़े हो जाते हैं, उसके बाद देखते हैं। अगर ऐसे आप करिएगा तो पीछे जितने भी बच्चे हैं एक भी किसी चीज को नहीं दिखा देगा। जैसे मान लिया जाए आप लोग बोलते जाइए, मैं लिख रहा हूं, कोई एक लोग बोले अपने प्लान में कुछ भी, कैसे लिखना होता है सर? रेक्टेंगल का आयत के बारे आप बोलिए, एक एक वर्ड बोलिए कि क्या क्या लिखना है, मैं उसको लिखूंगा। वर्ड बोलिए, आयत एक 2D आकृति की होती है। बस रुकिए, अब लिखना कैसे है? जैसे अब यहाँ आ य त एक क, आगे सर 2D आकृति। 2D जी सर। हाँ, टू कैपिटल D। अच्छा, ये D रहेगा या ये बताइए कौन सा रहेगा, कौन सा हिंदी में लिखते हैं आप, ये या ये वाला? डी फॉर सर, पहला वाला जो ब्रैकेट के बाहर है, टू डी ब्रैकेट के बाहर, यही रहेगा ना? जी सर। तो अब इसको ऐसे ही लिखना है, तो जब लिखेंगे आयत एक 2D आ का र, की आ कृति का होता है। आगे कुछ भी, जो भी जिसके आमने सामने के जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आपका काम सिर्फ ये है आज, क्या है? मैं लिख रहा था तो आगे जितना भी मैं लिख रहा था वो दिखाई दे रहा था। यस सर। क्या मैं ऐसे खड़ा हो जा रहा था, ऐसे करके लिख रहा, जैसे अभी आप बोलिए कि मान लीजिए अब लिखना हो भुजा, बस तो भुजा, ठीक है बेटा? दिखाई दिया आप लोग को क्या लिखा हूँ? नहीं दिखाई दिया, क्यों? सामने खड़े थे। हाँ, एक सामने खड़े थे, यही हमको ध्यान देना है। क्लासरूम में हम क्या करते हैं, अक्सर लिखते समय हमसे यही दिक्कत होती है, हमें यही प्रॉब्लम होती है कि हम लोग क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं ऐसे करके, अपना राइटिंग देखते रहते हैं, अपनी चीजों को देखते रहते हैं। तो ये ध्यान रहे, एंगल हमारा कैसा हो, तिरछापन, लगभग 45 डिग्री एंगल बना करके, थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है जैसी कंडीशन होती है क्लासरूम की, उस हिसाब से उसके बाद आप लिखिए। मान लिया जाए अगर आप पढ़ा रहे हैं, आप चीजों को कर रहे हैं, और उस समय क्लासरूम की बनावट ऐसी है कि थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है। मान लीजिए कि ऐसे ब्रेंच है, अब ये टेबल है ऐसे, ठीक, अब मैं यहाँ खड़ा होकर के लिख रहा हूं, अब इस टेबल पे कोई बंदा बैठा हुआ है या इस टेबल पे बैठा हुआ, इसको तो दिखाई नहीं देगा, या इधर पीछे जो बैठा हुआ उसको दिखाई नहीं देगा। अब नहीं दिखाई देगा तो उसके लिए हम क्या करें, कैसे वो बंदा सुन सकता, कैसे वो देख सकता है? तो इसके लिए यही वर्ड होता है कि आप जो वर्डों को लिख रहे हैं उस वर्डों को क्या करिए, प्रोनाउंसिएशन भी करते रहिए। जब आप बोलते रहेंगे तो वो जो बच्चा है जो आपके बगल में बैठा है, कुछ क्लासरूम में ऐसा बच्चा है जिसको कम दिखाई देता है, जिसको कम दिखाई दे रहा है,
देता है, वो बच्चा नहीं लिख, देख करके नहीं लिख सकता, तो वो बच्चा क्या करेगा, सुन करके अपनी अपनी बातों को लिखता जाएगा। या जो बगल में है नहीं देख पा रहा है, वो भी बच्चा क्या करेगा, सुन करके अपनी बातों को लिखता जाएगा। इसलिए कभी भी ब्लैक बोर्ड स्किल में सबसे बड़ी खास बात है, आप दो शब्दों के बीच में जो दो वर्ड है, इस वर्ड के बीच में जो गैप हो, लगभग कैसा हो, बराबर हो, कोशिश कीजिए कैसा होना चाहिए, बराबर। मेरी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से लिखिएगा कि ये जो दोनों वर्ड है, इन दोनों के वर्ड के बीच की में जो दूरी हो वो बराबर हो। ये जो आप वर्ड देख रहे हैं, ये वर्ड कैसे हो, ये भी बराबर हो, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो, क्योंकि ज्यादा ऊपर नीचे होगा बहुत लंबा खींच देंगे तब भी खराब लगेगा, और बहुत छोटा खींच देंगे तब भी बच्चों को दिखाई नहीं देगा। तो ये भी ध्यान रहे कि जितना भी आपके कंपोनेंट्स हैं, सिर्फ कंपोनेंट्स को ध्यान में रख करके आप काम करिएगा तो ब्लैक बोर्ड स्किल एकदम अच्छा होगा। सरिता ने कोशिश किया था, उन्होंने फ्लावर बनाया था, जो भी बनाया था कोशिश की थी उन्होंने, अगर हम फूल को पढ़ाएं तो इस चीज के, तो ये बात क्लियर है कैसे करना है आप लोगों को। यस 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 सर, जो भी नेक्स्ट आएगा वो इसी तरीके से करने की कोशिश करेगा, ठीक है। बोर्ड पे ही सारा काम करना है, आज पढ़ाना नहीं है, लेकिन जब भी लिखेंगे मुंह से प्रोनाउंसिएशन आपके होना चाहिए, क्लियर है कि नहीं। यस सर, इसको मिटा दें। यस सर, मेरा टर्न खत्म हो गया। नहीं, फिर से देंगे समय, अभी करें क्या, फिर से लिखे, अभी करोगे? हाँ, आ जाओ, तो आ जाओ तुम ही कर लो स्टार्टिंग, शुरू करो, पहले कर लो जो है भाई आगे है उसी को रीटीच करते हैं। अब मिटा दो, पूरा मिटाओ, पूरा सब मिटा दो एकदम, कुछ भी नहीं रहना चाहिए आज ही। तो अब सरिता ये भी ध्यान रहे, रुको देखो, अब ये नहीं कि यहां पे लिखें, इधर देखो पहले, सरिता सरिता इधर देखिए पहले, ये नहीं कि यहां तक खींच करके लिखो, नीचे से पैर उठा करके लिखो, ब्लैक बोर्ड ऊपर है तो ये नहीं कि ऊपर लिखो, जितनी हाइट है जितने जगह पर पहुंच सकते हैं सिर्फ वहां से ही लिखना स्टार्ट करो, ये नहीं। हम लोग क्या करते हैं, टांग लेते हैं अपने आपको, और कोशिश करना जैसे एक लाइनिंग नहीं होती ऐसे करके सीधा लाइनिंग, तो जैसे सीधा लाइनिंग लगभग खींचा जाता है वैसे ही लिखने की कोशिश करना, ये नहीं यहाँ लिख रहे हैं लिखते 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 यहाँ आ गए, या लिखते लिखते यहाँ जाते जाते आसमान में चले गए, ये नहीं। एक साइड से लिखना है या पूरा लिखना है, इस किनारे से लेकर के उस किनारे तक, ऐसा नहीं कि छोड़ छोड़ करके लिखना है, तो पूरा डेट टाइम आप टोटली डालेंगे। टाइम स्टार्ट होता है आपका, मनोरमा टाइम नोट करती रहेंगी, निश्चित समय है उतना ही, 6 मिनट, 6 मिनट, जब 6 मिनट का ही टाइमिंग है इनके पास, शुरू करो। सरिता जैसे चालू करती हैं उसके बाद मनोरमा आप तुरंत उसको कर लीजिएगा, मनोरमा नीतु आप लोग देखते रहिए। हाँ सब कुछ, आज ही तो लिखना है, ब्लैक बोर्ड पे कैसे लिखा जाता है, बोलो मुंह से। तो आप ही ने तो कहा आज बोलना नहीं, डेट आज है, है। डेट कितना है नीतू? 10 तारीख है। 10 पूरा बोलो, 10 10 जो दस, लिख रही हो उसको लिख, 20 ऐसे नहीं, जब लिख रही हो तभी बोलो वहीं पे। ओके सर, सब्जेक्ट, स्पेलिंग से, साइंस, आज का हमारा टॉपिक है, विषय लिखो ऊपर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, नीतू फ्लावर के बारे में बताइए कुछ। फ्लावर का यूज हम रिप्रोडक्शन के लिए करते हैं, सजाने के लिए करते हैं। हाथ से नहीं मिटाना है, दरअसल और आकांक्षा आप कुछ बताएंगे फ्लावर के बारे में।
पूछना नहीं है किसी से, सिर्फ अपना लिखो बोलते हुए, पूछने की जरूरत नहीं है आज। ओके सर, फ्लावर, तो हम फ्लावर के बारे में लिखते हैं कुछ। सभी को दिख रहा है? सभी को दिख रहा है? जी मैम। फ्लावर इज अ, फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ, नहीं फ्लावर फिर इज लिख रही तो इज, ए लिख रही तो ए, एक साथ ही पढ़ना नहीं है, एक एक वर्ड लिखो और एक एक वर्ड पढ़ो। ओके सर, रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस, एंजियोस्पर्मी प्लांट। तो आज हम फ्लावर का डायग्राम देखेंगे, बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। ये पेटल्स हैं, पेटल्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं सारे फ्लावर में। ये जो ये थैलमस है, इनका पूरे जो फ्लावर होते हैं उनका जो बेस है ये थैलमस, और इसे हम बोलते हैं पेडिसेल। आप लोगों ने देखा होगा, इसे हम बोलते हैं पेडिसेल। ये पेडिसल है, इसे हम बोलते हैं थैलमस। ये जो है वो फीमेल पार्ट है जिसे हम गाइनोसियम कहते हैं। दिखाई दे रहा है क्या भाई, क्या लिख रही है? सुनाई नहीं दे रहा, नहीं दे रहा है सर। इतना बड़ा मत लिखो, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बड़ा लिखो। आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो बोलना चाहिए ना आप लोगों को। अच्छा ये देखो, ऐसे टीचर डांट डांट करके पढ़ा डालेगी। बच्चों आप लोगों को बताना चाहिए ना कि मुझे मतलब नहीं दिख। ओ ठीक है, मैं अच्छे से लिखती हूं। ये जो है गाइनोसियम है, अब दिख रहा है? जी मैडम, समझ में आ रहा है? इसे हम, ये कलरफुल जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं पेटल। जो फ्लावर में ग्रीन पार्ट होते हैं इस तरह से जो बर्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टैमन। इसे हम बोलते हैं एंथर। एंथर में ही पॉलन ग्रैन होते हैं। ये हो गया एंथर। मैं एंथर मेन वाले पार्ट इधर साइड में ड्रॉ करती हूँ। ये जो लाइन है इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। सभी लोगों को दिख रहा है? आकांक्षा, नीतु, राहुल? यस मैम, दिख रहा है, दिख रहा है। इस पार्ट को हम बोलते हैं एंथर, और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं फ्लैगेल। क्या आवाज कर रहा है भाई? इन सभी को मिलाकर हम बोलते हैं मेन पार्ट।
मेल पार्ट शाम है। हो गया सर। एक मिनट रुकिए बस, आकांक्षा का मैसेज आया है कि सर आज का क्लास नहीं है क्या? सर अच्छा चलिए ठीक। कहाँ आ गई भाई सविता, दिखाई दे रही है हमको? नहीं वहाँ से सब काम करते हैं भाई। किसके यहाँ बहुत आवाज हो रहा है? अच्छा सरिता आगे आ जाओ, आप पहले रख करके पहले देखो अपने ब्लैक बोर्ड को कितना अच्छा लग रहा है, उसको बंद करके आ करके सामने होकर के देखो अपने ब्लैक बोर्ड को। देखो ये पे मेरा पेन है, काट के दे देगी। देखो अपने देखिए पूरा घूम करके देखो ना, पीछे बैक होकर के, बैक होकर के देखो। कोई बात नहीं, हमको नहीं देखना है, आप बोर्ड को देखो, व्हाइट बोर्ड को देखो। आप कैसा लग रहा है देखने में? क्या लग रहा है, कमी क्या लग रही है ये बताओ पहले। थोड़ा सा हॉच पॉच हो गया। हॉच पॉच हो गया, हल्का फुल्का। हाँ ये सब मुझे मिटाना चाहिए था पहले। मतलब अच्छा क्या होता, क्या करती थी अच्छा होता आपका जी? क्या आप करती कि अच्छा हो जाता? आपको क्या करना चाहिए था बोर्ड में कि आपका जो अच्छा नहीं दिख रहा है? सर इसको इरेज करना चाहिए था, इसको डायग्राम को अच्छे से बनाना चाहिए, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए था थोड़ा। पर लेकिन सर टाइम से मनोरमा और अजय सर आप दोनों लोग अपना आवाज म्यूट कीजिए सर। अजय सर। यस सर। आवाज सर म्यूट कीजिए, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके सर। सरिता पहले तो लिखना था, लिखते समय देखिए आपका नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है जो वर्डिंग है? ऊपर ऊपर जा रहा है, मतलब पूरा लिखती तो कहाँ तक जाता है? क्या पूरा लिखती तो नीचे पे, मतलब ये इधर से और लिखती तो ये इसमें हो जाता, सीधा नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि तो आप फिर से रीटीच लिख लीजिए, रीटीच अभी। हाँ अभी उसके बाद रीटीच, अब सुन लीजिए। रीटीच फ्लावर नहीं बनाना है, लिखना है ओनली। ठीक है सर। सिर्फ लिखना है, ठीक है सर। ठीक है सर, एक के बाद फिर से मेरा लिखवा दीजिए। एक दो के बाद अभी और समय लगेगा, और लोग का नंबर आ जाने दीजिए। आज भले 3 बज जाएगा लेकिन मैं करता रहूंगा सर। हाँ हाँ बता दें, आप संख्या कम है, टेंशन मत लो। नीतू चलिए आइए, नीतू तैयार हैं जी सर? जाना है क्या? चलिए नीतू आ जाइए। अजय सर लिख लीजिएगा, फीडबैक इनका लिखते जाइएगा। और राहुल टाइमिंग देखना आप। ठीक है सर। कितनी तारीख है कोई बताएगा? आज है 10/10/2020। सब्जेक्ट
रेक्टेंगल हम लोग आयत के बारे में पढ़ेंगे। रेक्टेंगल हिंदी में होता है आयत। ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल आयत एक प्रकार। मैम आवाज नहीं सुनाई दे रही आपकी। आयत एक प्रकार की टू डी आकार की आकृति होती है। इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है और इसके इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री। सर ये मिटा दे क्या सर? हेलो हेलो सर, हेलो। चलिए ठीक है, आप पढ़ाइए सर। इसको मिटा दे तो लिखे? नहीं नहीं, पहले आप पढ़ाइए सर। और लिखना था ब्लैक बोर्ड का पूरा यूज कीजिए आप ऊपर से सर। ये सब मिटा दे? हाँ ठीक है, मिटाइए, लेकिन ब्लैक बोर्ड का पूरा यूज किया कीजिए ऊपर से, है ना? तो सर इसको मिटा कर, मैं इस सब को मिटा कर फिर ऊपर लिख दूं सर?
हाँ लिखिए। प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। आयत एक अलग प्रकार की आकृति होती है। सर ये सब मिटा दे सर, अब दूसरा कुछ लिखना है सर। सर हेलो 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 सर हेलो हेलो सर आवाज नहीं आ रही है क्या सर? आवाज आ रही है आपके सर, तो मैं क्या इसको मिटा दूं सर? देखिए हेलो हेलो मिटा कर आगे लिखिए उसको। इसके उदाहरण हमारा जैसे कि श्यामपट हो गया, श्याम पट किताब हो गया, किताब हो गया मेज आदि होता है। अब आयत के परिमाप मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर के बारे में जानेंगे जो कि हम लोग इसके बारे में कल पढ़ेंगे। सर हो गया सर? हेलो 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 सर हेलो सर
आवाज नहीं आ रही है क्या सर? सर लग रहा नहीं सुन रहे हैं। नहीं सुन, आप लोगों को सुनाई दे रही है आवाज? हाँ हाँ सुनाई दे रही है, आवाज आ रही है सर। सर सर सुनाई नहीं दे रहा है। अजय सर भी हैं, उनको बोलिए। सर अजय सर, कोई सर बोल ही नहीं रहे कुछ। हाँ नीतू जी सर। हेलो, हमारा आवाज आ रहा है आपके पास? गुड आफ्टरनून। हाँ सर आपकी ठीक है? आप जो पढ़ाई सही पढ़ाई है, और थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पे जब लिखते रहिए, जैसे आप बोल रही थी, थोड़ा सा और साइड में जो 45 का कोण बनाया जाता है उसको मेंटेन करके, जैसे मिटाने आप जा रही हैं तो पूरा एकदम सामने खड़े हो जा रही हैं। अच्छा। जहाँ पे जरूरत जितना हो अपनी एक्टिविटी उतना ही दिखाइए, इतना भी मत दिखा दीजिए जिसके वजह से डिस्टर्ब हो बच्चे की बीच में क्या लिख रही है। और जब आपका ब्लैक बोर्ड भर जाता है तो आपका टीचर होने के नाते एक दायित्व बनता है कि आप स्टूडेंट से कहिए कि क्या आप लोगों ने सब कुछ देख लिया, लिख लिया, अब मैं इसको इरेज कर दूं, मैं मिटा दूं। तो जब स्टूडेंट बोल दे यस मैम हम लिख चुके और आप मिटा सकती हैं, तब आप मिटाइए, क्योंकि आप ऐसा फील कीजिए कि आप एज ए क्लास में हैं और आपके सामने सब स्टूडेंट हैं। आपको किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह से रखना है, एकदम टोटल वो आपको जो 6 मिनट मिला है उस सारे डिजिनेंटी को आप मेंटेन कीजिए, ठीक है? जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि इसको मिटा दिए, मिटा दे, ये हो गया, भर गया, आप ये सब मत देखिए। आपको क्या करना है, अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाइए कि हाँ ब्लैक बोर्ड भर गया मेरा, और फिर हम बच्चे से बोले कि ऐसा है कि आप लोग चुके तो हम इसको इरेज कर दें, ठीक है? ओवरऑल आपका ठीक है, थोड़ा और सुधार कीजिए, बाकी सब बहुत अच्छा रहा। कौन नेक्स्ट है, कौन आएगा अगला, कौन सा स्टूडेंट आएगा, कौन आना चाहता है पढ़ाने के लिए? आकांक्षा, सरिता, राहुल, कौन पढ़ाएगा? मनोरमा बोलिए आप लोग। सर हम अभी थोड़ा रेडी नहीं है, एक आगो पढ़ाने दीजिए सर, उसके बाद हम पढ़ाएंगे। अच्छा ठीक है, और कोई? आकांक्षा, आकांक्षा सर, सरिता कुमारी का रेटिच बोले थे कृष्णा सर, था सर उनको बोलिए क्या बोलते। सरिता आप पढ़ाइए। सरिता सर वो दो बार पढ़ा चुकी है, सर ने अभी उनको बोला है थोड़ी देर बाद सर। हाँ किसका है, कोई जो भी पढ़ाना चाहते आइए सामने भाई, अपने स्वच्छता से आना चाहिए, कहने की जरूरत ही नहीं होती कि आप पढ़ाइए पढ़ाइए। मनीष सर आपका तो है, होता है खुद पढ़ाने का। कौन आ रहा सर, आवाज क्लियर है क्या? हाँ आवाज सर क्लियर है आपका। ओके, कुछ प्रॉब्लम हो गया था फोन में जिस वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ आवाज आपका नहीं आ रहा था। सर अगले बच्चे को लीड लेने के लिए बोलिए क्लास। चलिए आकांक्षा, आकांक्षा कुमारी, सबका नहीं जा रहा था। आकांक्षा, आकांक्षा आवाज आ रही है? अनम्यूट कीजिए आकांक्षा कुमारी अपने आप को। नहीं बोल रही, रहने दो। मनोरमा नहीं जा रहा सर आवाज,
आवाज क्या म्यूट ही नहीं, म्यूट पढ़ाना नहीं चाहता। मनोरमा क्या हालत है मनोरमा? यस सर। तो मनोरमा दो मिनट बाद सर। अच्छा कर रहे सर। अच्छा राहुल सर हम भी अभी रेडी ना है सर, थोड़ा किसी एक और को पढ़ाने दीजिए ना सर, उसके बाद हम करेंगे। अरे भैया किसको पढ़ाने के लिए कहे, सब तो तैयार। दो मिनट बाद आप लोग डरिए नहीं और झिझक भी मत रखिए, सब अपने ही लोग हैं, एकदम जैसे इच्छा पढ़ाइए। माने अजय सर आप जहाँ पे हैं दो डिवाइस एक साथ चल रहा है, थोड़ा दूर दूरी बनाइए। अजय सर मनीष सर आप दोनों लोग साथ हैं क्या? हाँ सर एग्जामिनेशन में साथ में थे। हाँ तो इस वजह से वो कर रहा है, दूरी बनाइए तो फिर उसके बाद इको रहेगा। हेलो हेलो हाँ मनोरमा बोलिए। चलिए हाँ मनोरमा बोलिए। सर कोई बोल, सर कोई और नहीं करेगा अब सर? चल आप करिए ना। मनोरमा कहाँ है मनोरमा? सर देखिए सेट ब्रेम हो रहा सर, उसको अनम्यूट कीजिए। हेलो ठीक हो रहा सर? चलिए मनोरमा। हाँ जी सर ब्लैक बोर्ड पूरा तिरछा दिख रहा है। कोई बात नहीं, जितना है उतना करिए, जैसी कंडीशन है भाई, जैसा कंडीशन रहेगा उसी हिसाब से काम करिएगा ना। वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है आपका सही से। नेटवर्क इशू है क्या मनोरमा आज? रूम सर। क्यों सीढ़ी पे जहाँ पढ़ाते थे वहाँ क्या हुआ? धूप है। अच्छा कोई बात, चलिए ठीक है। देखिए एक मिनट सर, अब क्योंकि यहाँ पे आपका वीडियो आ नहीं रहा सही से। सर हम ऑफ करेंगे वीडियो। अच्छा तब ऑन करिए पहले, तो तभी तो पढ़ाएंगे।
ओके सर, जस्ट मिनट सर। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सर शुरू? हाँ शुरू कीजिए। वीडियो नहीं दिख रहा है, वीडियो ऑन कर लीजिए। सर किए? गुड आफ्टरनून। आज डेट क्या है? वीडियो नहीं शो हो रहा है। नहीं हो रहा है? सर वीडियो नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा बेटा। ज्वाइन होते हैं तब। सर का वीडियो दिख रहा है। मैंने वीडियो ऑन कर रखी तो फिर दिख रहा है। लो मैंने कर दिया। मनोरमा एकदम नहीं दिखाई दे रहा है, आवाज भी नहीं आ रही तुम्हारी। मनोरमा आवाज जा रही है क्या? सर दिखा? हाँ अब ठीक है। हाँ हाँ ठीक है अब। आज हम लोग पढ़ेंगे जल चक्र के बारे में। कैमरा थोड़ा सा सही करो, बहुत ज्यादा तिरछा हो रहा है। कह रहे कैमरा बहुत ज्यादा तिरछा हो रहा है, सीधा थोड़ा सा कोशिश करिए। ठीक है सर। अभी सामने जहाँ से आप खड़ी हैं उसके सामने नहीं है क्या कोई जगह? नहीं सर, फिर बोर्ड भी ढक जाएगा। नहीं अच्छा सर। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है वहीं से करिए आप। आज हम लोग पढ़ेंगे जल चक्र के बारे में। हम लोग जानते हैं जल तीन अवस्थ
आए होती है, कौन कौन होती है, ठोस द्रव और गैस। सुनाई दे रहा है? हेलो स्टूडेंट्स, सुनाई दे रहा है? नीतू हेलो, राहुल आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हेलो मैम, दिखाई दे रहा है। ओके ठीक है, ठोस द्रव और गैस। और जल का एक और गुण है कि ये आसानी से आसानी से रूप से दूसरे रूप में हो जाता है। जल की तीन अवस्थाएं होती है, रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। जल से क्या है, पृथ्वी पर उपलब्ध जल का एक रूप से रूप में या एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन हो जल चक्र दिखा दे रहा बच्चों? सर हो गया? हो गया। अच्छा कितना टाइम लगा भाई, कोई देखा है? कोई नहीं, चलिए अब ये बताइए, पहले आपने जो लिखा हुआ है बोर्ड को सही से दिखाइए, बोर्ड को ही दिखाइए, बोर्ड को पहले दिखाइए जो दिखा रही थी। हाँ
अच्छा, जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं? सर तीन। तीन कहाँ देखी थी इसको? कहाँ पे देखी थी? कहाँ से लिखी है इसको? सर क्या बोले? मतलब किस जगह से इसको आपने नोट किया है? गूगल से। गूगल में? गूगल में तो ऐसा नहीं लिखा होगा। सब लिखा हुआ है सर। कहीं से भेज दीजिएगा हमको तो हमसे देख लें। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, जल की तीन अवस्थाएं होती हैं। कोई मेटल होता है, मेटल का तीन अवस्था होता है ना, ठोस, द्रव और गैस। यह सब पदार्थ क्यों होता है? सब पदार्थ क्यों होती है? तो जल को भी एक पदार्थ में तो वो तो द्रव के अंतर्गत आता है। यस सर। तो फिर कहां से तीन हो गया? आपने तो पूरा उल्टा का सीधा लिख करके बच्चों को पढ़ा भी दिया। ऐसे काम नहीं होगा मनोरमा। कुछ दूसरे जगह से देखने से अच्छा है पहले आप उस पर गहन अध्ययन करें, थोड़ा पढ़ लीजिए। आप लोग को बच्चों को पढ़ाना है, अगर ऐसे काम करिएगा तो कैसे चलेगा? पहले तो प्लान ही आपका गलत हो गया, ये जो बनाई है। और उसके बाद बोर्ड को दिखाइए, बोर्ड पे और भी गलती लिखी हुई है। आप जल की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पहले तो ये इतना गलत था, इसको पहले करेक्ट कर लीजिएगा। आगे और इधर इधर दिखाइए, लेफ्ट साइड मतलब अपने राइट हैंड। अरे भाई बोर्ड दिखाइए, सीढ़ी नहीं, बोर्ड को दिखाइए ना जो लिखी हुई है। हाँ, आसानी क्या वर्ड होता है? आकार। आसानी नहीं होता है, आसानी होता है। आप एक एक डंडा लगेगा, आ की मात्रा सर लगा। अरे परिवर्तित कैसे लिखा हुआ है? परिवर्तित सही लिखा हुआ है। बताइए, सही नहीं लिखा तो इधर देखिए, इधर कैसे लिखा जाता है परिवर्तित? ये ऊपर रहता है, ये जो आपने यहाँ लगाया है ना, ये यहाँ पे वो गलत है। यहाँ वाला जो लगाया है यही रॉन्ग है आपका। ये सीधा लिखे yes, यहाँ पे, और एक जगह और लिखी हुई है परिवर्तित में ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट दिन इस चीज को ख्याल रखिएगा, कभी भी फ्यूचर में ये गलती नहीं हुआ। एज ए टीचर हैं अब आप, और बच्चों के सामने अगर ऐसी गलती करके चले आए हम लोग और बोर्ड पे, तो बच्चा वहीं लेके जाएगा घर पे। घर पे कहेगा क्या, हमारी जो मिस है, हमारी जो टीचर है, उन्होंने यही पढ़ाया है, और वही चीज को वो सीख लेगा। Okay, sir. और भी कुछ अभी और कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर आप देखिएगा तो उसमें बहुत सी कमियां हैं। तो फर्स्ट है कि जो आपका व्याकरण शुद्धता है उस पर ध्यान दें, और बाकी जो चीजें हैं वो ठीक है। फिर उसके बाद अभी फिर तैयार रहिएगा, अगर संभव होगा तो, अगर सही रहा मौसम तो आपसे फिर करा देंगे एक। ठीक है? ओके सर। ठीक है, आपका ध्यान। ठीक, ओके। जो गलती है उसको सुधार करिए पहले। आकांक्षा मौर्य, आवाज जा रही है आकांक्षा? यस। चलिए सर, थोड़ा सा टाइम चाहिए। राहुल, राहुल कुमार मनोरमा बंद कर दीजिए अपना साउंड। राहुल आवाज नहीं जा रही है या गायब? आ रही है सर। चलिए, आपने वोट समय मांगा था, आपका समय पूरा हो चुका है, चलिए आइए। हेलो, आइए भाई पढ़ाइए। चलिए आ रहे हैं। लेट मत करो बेटा, क्योंकि ये सब
राहुल का नहीं होगा तो मैं कहाँ रह गए भाई? सरिता कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ सर, एक बार वापस से आपने कहा ना री टीच के लिए। हाँ हाँ हाँ, अभी एक बार फिर से राइट डाउन। अच्छा राइट कर। राहुल कितना टाइम लगेगा अभी? राहुल हेलो, करें कितना टाइम चाहिए तुम्हें? सर सरिता बोल रही है ना कि हमको करना है रेटीज, तो उसको करने दीजिए, उसके बाद हम करते हैं। अच्छा बेटा, ऐसा लग रहा है कि तुम एकदम अखाड़े में जाना है, एकदम तैयार हो रहे हो कब से, जल्दी से तैयार हो। उसके बाद हम करेंगे सर। इतना टाइम तो लड़कियां नहीं लगती तैयार होने में जितना टाइम तुम लगा रहे हो। चलो सरिता आ जाओ भाई, आप ही आ जाओ। थोड़ा सा बड़ा लिखो बेटा, थोड़ा बड़ा लिखो, हल्का सा। उसको रख दिया करो सामने, सामने से तब उठाया करो, और बोर्ड का सहारा मतलब दूसरे हाथ से, दूसरा हाथ छोड़ करके रखो वहां से। आवाज नहीं आ रही है मैम। सॉरी सर, वो पूर्ण चंद्रमा वाली रात्रि जो कंप्लीट होती है ना, और यहाँ पे नए चंद्रमा वाली रात्रि। चंद्रमा वाली रात्रि
अवश्य अवश्य कहते अब हम देखिए खगोलीय पिंड क्या होते हैं। खगोलीय पिंड खगोलीय पिंड सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात्रि के समय आसमान में चमकते हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। सर हो गया सर ओवर। सर कंप्लीटेड। फोर मिनट कुछ सेकंड लगा है सरिता। सर यहाँ तो सिक्स मिनट हो रहा है। तुम्हारे सिक्स मिनट हो रहा है। छह मिनट में कितना लिखी हो देख लो। अच्छा सामने से देखो तो थोड़ा सा इधर आकर के। हाँ सर अभी कुछ यहाँ पे हुआ है। कहाँ गया ये थोड़ा सा ऊपर। आप प्रैक्टिस कर सर बोर्ड है तो प्रैक्टिस करेंगे। बोर्ड है प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा ठीक है। देखिए फर्स्ट लाइन को देखिए फर्स्ट लाइन भी ऊपर गया है। अमावस्या का जो है वो भी ऊपर गया है लेकिन खगोली आपने गलत लिखा हुआ है। पहले उसको करेक्ट करिए। अच्छा जी सर। हाँ ठीक है तो जो छोटी छोटी बातें हैं आपको लगता होगा कि सर लोग मतलब ये कमी निकाल रहे हैं हमारा या वो कर रहे हैं लेकिन हम लोग को ये चीज ध्यान मिटा क्यों रही हो अभी एक जगह और खगोली गलत लिखी हुई हो वहां भी देखो गलत है उसको भी सही करो। अच्छा अमावस्या देखो सही लिखा हुआ है। अमावस्या क्या लिखा हुआ है। अमावस्या देखो किताब में अमावस्या क्या और गलती है अभी और जगह अमावस्या कहीं नहीं लिखी हो वहां भी देखो। हाँ। सर प्रैक्टिस करने की तो जरूरत तो है बोर्ड में अब पहली बार हो रहा है तो। अच्छा नए ऐसे लिखा जाता है नए चंद्रमा कैसे लिखा जाता है बोलने पर तुरंत सही हो जा रहा है। हाँ सर वो टाइम देख रहे थे हम वो लिख रहे थे बट टाइम देख रहे थे।
हम तो सोचे दूर से देख रहे हैं तब दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा करके, तो ये जो एरर है स्पेलिंग एरर हम लोग कह लें सबसे बड़ी बात है, उसको करेक्ट करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है ब्लैक बोर्ड पे, खासकर जब कभी भी हो हम लोग खासकर छोटे छोटे बच्चों को हमको सिखाना है, और बच्चा जो टीचर होता है टीचर की बात बहुत मानता है, तो ऐसे चीजें कभी हम लोग से नहीं एरर हो, इस चीज को हम लोग ध्यान रखें। तो नेक्स्ट खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ये सब चीजें ऐसी हैं क्योंकि हम लोग क्लास में नहीं है भाई कि क्लास में हम यहाँ से आपको करा दें 20 बार करा दें, या आपको दूसरे क्लासरूम में भेज करके आपके साथ एक टीचर लगा दे कि आप करिए। यहाँ पे आपको सेल्फ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, खुद से अगर आप ध्यान दे करके अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हमें जहाँ तक उम्मीद है अगर आपने 2-4-5 दिन भी मेहनत ढंग से कर लिया, 1 घंटे या आधे घंटे रोज भी प्रैक्टिस किया तो बहुत ही जल्द बहुत अच्छा आ जाएगा। आप तो बहुत अच्छा लिखती हैं, और मैं जब पढ़ता था मतलब बीएड करता था तो उस समय क्लास में मैं नीचे से टॉपर था ब्लैक बोर्ड स्किल पे, जब हमको किया जाता था मैं इससे 2-2 घंटा स्किल करवाया गया है, क्यों, क्योंकि मैं सही से नहीं लिख पाता था। तो करेंगे तो आज अभी आपको आपने देखा होगा तो लगता होगा सब ठीक ठाक लिख लेते हैं, लेकिन नहीं आता था, ऐसे जैसे आप करें वैसे मेरा आपका ऊपर जा रहा है तो मेरा नीचे चला आता था। लगातार प्रैक्टिस करने के बाद वो चीजें सही हुई, तो आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा तो जरूर हो जाएगा। ठीक है सरिता, अच्छा रहा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट राहुल। यस सर। ठीक है आइए। सर ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? अरे तुम ही नहीं देख रहे, ब्लैक बोर्ड कहाँ से दिखेगा? हम दिखेंगे सर, हम पीछे हैं। हाँ हाँ चलो आ गए, मान लिया तुमको कि आज मेहनत किया है, लड़का गया दूसरे स्कूल में जाकर के जुगाड़ बनाया है। ठीक है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का दिनांक कितना है और ऊपर लिखो पर क्या सर, और तुम्हारे पास जगह है ना जी, ऊपर से लिखना शुरू करो, पूरा ऊपर से सर मिटा करके ऊपर से लिखो। हाँ तुम्हारे पास है ना भाई, तुम लड़की थोड़ी ना हो कि नीचे से स्टार्ट कर दिए, तुम्हारे पास जगह है, नहीं हो पाता तब तो करते ना, जिनको नहीं भेटता है बेटा ऊपर से वो पूरा ब्लैक बोर्ड यूज करना है। लो आ जाएगा खूब आराम से। ब्लैकबोर्ड स्किल, स्किल नहीं स्किल, स्किल सर। हाँ आज का दिनांक क्या है? दिनांक एक किनारे से लिखो सर, गंदा है बोर्ड, गंदा है बोर्ड। कोई बात नहीं है, दिखाई दे रहा है, किनारे से लिखो, जगह है। आज का दिनांक है 10-10-2020, सबसे विषय विज्ञान, अवधि 5-7 मिनट। आज का टॉपिक हम लोग का है बल, आज हम लोग बल के बारे में पढ़ेंगे। बल बल वह बाह्य भौतिक भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर
सिर्फ एक साथ किसी, फिर उसके बाद लिखो वस्तु, तो बोलो वस्तु, वस्तु पर लगने के बाद उसकी अवस्था को बदलती है या बदलने की कोशिश करती है, करती है, उसे हम बल कहते हैं, कहते। अब लिखेंगे इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक न्यूटन होता है। यह एक अदिश राशि है। अब बच्चों, अब आप लोग लिख लिए होंगे, अब हम इसको मिटाते हैं। ऊपर का मिटाना, ऊपर का सेल से ब्लैक बोर्ड स्किल और डेट जो डाले उसको मिटाओ, बाकी छोड़ दो। अब हम लोग जानेंगे बल के प्रकार के बारे में। बल के प्रकार, बल दो प्रकार के होता है। पहला और लिख दो, बीच में लिख लो ना, बीच में लिखो उसको, यहाँ पे लिखो। हाँ हाँ, ऐसा लिख दे। सर एक टाइम लेते रहना भाई सब लोग। बच्चों बल दो प्रकार का होता है। पहला संतुलन बल, संतुलन बल, और दूसरा असंतुलन बल। जानेंगे हम लोग अब संतुलन बल के बारे में। वैसा बल जो किसी वस्तु पर, वस्तु पर लगने के बाद उसकी अवस्था
में कोई परिवर्तन नहीं होता है। थैंक यू। अब आगे हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। सर हो गया कंप्लीट? हो गया कंप्लीट। कौन बताएगा भाई इनकी कमी को? कंपोनेंट्स कौन रखा हुआ है? कंपोनेंट्स ले कौन बैठा हुआ है? सरिता या मनोरमा? कंपोनेंट्स आपके पास है? किसके पास? मेरे पास सर। ना ना आपको नहीं, सरिता से पूछे हैं या तो मनोरमा से? सरिता या मनोरमा आवाज जा रही है? कंपोनेंट्स खोलिए। ब्लैकबोर्ड स्किल के कंपोनेंट्स बोलिए एक एक। श्याम पट पर लिखे अक्षर स्पष्ट थे, बताइए yes. है कि नहीं? यस yes. स्पष्ट थे। दूसरा, श्याम पट कार्य स्वच्छ था, बताइए। अक्षर सीधे थे, पहले राहुल आगे आ जाओ। अक्षर सीधा है इनका? मनोरमा? यस सर। इनके अक्षर सीधे हैं कि नहीं है बताते जाइए। सर सीधे ही थे मैं, हमको लग रहा था। अच्छा, और पंक्तियां समांतर थी, तो बताइए समांतर सीधी हैं एकदम एक दूसरे के? सर एक मिनट, थोड़ा सा राहुल एक साइड होती है, ब्लैक बोर्ड देखने दीजिए, थोड़ा सा साइड रखिए, बोर्ड दिखने दीजिए इन लोगों को, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। सर थोड़ा सा हल्का सा सर, मतलब ठीक ही है सर। ठीक ही है लेकिन अच्छा नहीं है ना सर? फर्स्ट बार है तो बहुत अच्छा केस। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये पढ़ाता है कहीं? हमको हमसे पूछो हम बताएं, कोचिंग पढ़ाता है ये? पढ़ाते हो ना राहुल? पढ़ाते हो नहीं पढ़ाते हो? आगे मनोरमा। आगे बोल रहे सर, शब्दों का आकार कक्षा के अनुरूप था, बताइए है कि नहीं? जो वर्ड लिखा हुआ है वो ठीक है? बच्चों को दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा क्लासरूम में? दिखाई देगा सर। हाँ आगे, पाठ से संबंधित बिंदुओं को निरंतरता से लिखा गया। जो चीज लिख रहे हैं वो सही कंटिन्यूअस लिख रहे थे ना, उसकी बात करें। आगे, आवश्यक बातों को मिटा दिया गया। यस सर, मिटाए थे सर ब्लैक बोर्ड स्क्रीन जो लिखा हुआ था ऊपर में अपडेट। आवश्यक है अनावश्यक है? अनावश्यक सर। फिर आवश्यक लिख रही हैं? अनावश्यक। हाँ तो अनावश्यक जो जिस चीज की आवश्यकता नहीं है उसको क्या कर दीजिए? मिटा दीजिए। जिस चीज की आवश्यकता उसको ब्लैक बोर्ड पे रखे रहिए। सर ब्लैक बोर्ड स्किल का तो आवश्यकता नहीं ना था सर? कहाँ पे? नहीं सर, जो हम मिटाए हैं सर। नहीं नहीं उसकी आवश्यकता थी, लेकिन जब आवश्यकता काम खत्म हो गया आपका बोर्ड भर गया तो ऊपर से मिटाया जाता है कभी भी, क्योंकि बच्चा ऊपर का लिख लिया रहता है। ये सर यही पॉइंट होता है, क्योंकि कभी भी जब आप लिखिए तो आप ऊपर से लिखते हुए आ रहे हैं तो बच्चा क्या करता है, कॉपी कोई भी चीज ऊपर से ही कॉपी करता आता है ना।
यस सर। तो आप क्या करिए, जब आपका ब्लैक बोर्ड भर जाए, आप पूरा कंप्लीट कर लें, तो कभी भी मिटाने का काम क्या होना चाहिए, ऊपर से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नीचे वाला पूरा हो गया, हाँ भाई मिटा देते हैं पूरा, ना, ऊपर से आप मिटाइए, फिर उसके बाद नीचे का मिटाइए। अगला है सर, आगे रेखांकित किया गया नहीं किया, जो चीज इम्पोर्टेंट था उसको वहाँ क्या करना चाहिए था, अंडरलाइन करना चाहिए था सर। किया है कहीं? नहीं सर, नहीं किया। इसीलिए कहते हैं कि रंगीन चौक यूज करो, रंगीन चौक यूज करते तो वही जो वर्डिंग है आप क्या करिए, रंगीन चौक से लिख देते तो वो एक तरह से रेखांकित हो जाता। आगे आवश्यकता अनुसार रेखा चित्र बनाए गए। आवश्यकता अनुसार वही था जो आप प्रकार था, तो प्रकार को आप चाहते तो एक नया रूप दे सकते थे। सर डायग्राम से तो बताएं हम। हाँ डायग्राम से जो बनाए थे, पहले सीधा लिखने जा रहे थे ना, उसके बाद डायग्राम बनाए हैं, वही जी सर। नेक्स्ट, आवश्यकता अनुसार रंगीन चौकों का प्रयोग किया गया। एकदम नहीं किया गया। रेखा चित्र स्पष्ट और सुंदर थे। दिखाओ भाई, सुंदर है, स्पष्ट है एकदम। ब्लैकबोर्ड दिखाएं सर। ब्लैकबोर्ड पे ही तो बनाए हो ना रेखा चित्र। उल्टा उल्टा दिख रहा है ना सर। सॉरी सर, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए सर, आगे सर बस हो गया। कच्छ में औचित्य सर, इसका मतलब हमको भी नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे, पूरा बोलो फिर से। लास्ट पॉइंट, संपटकारी का कच्छ में औचित्य था। संपटकार का कच्छ में औचित्य था, मतलब हाँ, मतलब कि संपटकार जो कर रहे हैं उसका यूज मतलब औचित्य था कि नहीं। मतलब कभी कभी हम क्या करते हैं, अनावश्यक चीजों को भी लिखते हैं, तो वही कहा जा रहा कि उसका औचित्य था कि नहीं। अगर औचित्य है तभी तो लिखा जा रहा है, वही बात यहाँ कही जा रही है। यस सर, ठीक है राहुल, हमको पता है कि आप कहीं पढ़ाते हैं, इस वजह से आप इतना अच्छा लिख पाए हैं, काफी अच्छा। नहीं सर, कहीं 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 नहीं पढ़ाते सर। कोचिंग तो पढ़ाते हो बेटा, इतना फ्रेश लिख रहे हो तो हमको इतना समझ में आता है। फ्रेश है सर, इतना गंदा है, फ्रेश बोल रहे हैं सर। आप समझ में आ रहा है ना, अच्छा गंदा है ना, तो सही कर लेना इसको जहाँ जहाँ लग रहा है। आप प्रैक्टिस करो, घर पे ही है ना ये बोर्ड? हाँ सर, घर पे ही है बोर्ड। इस पे जो पहले बैटरी आती थी ना एवरेडी की, हाँ सर। जी सर, उसको एक एक तोड़ करके खराब, उसको उस पे पोचाड़ा कर दो, फिर उसके बाद लिखो। बहुत गंदा हो गया सर, प्लास्टर हुआ था ना सर घर, तो उस समय बहुत हाँ, तो गंदा हो गया, तो कल मिटाए तो इतना साफ हुआ सर। हाँ तो उसीलिए कह रहे ना कि पोचाड़ा कर दो उस पे, जो एवरेडी बल्ब होता वो होता नहीं है बैटरी सर, बैटरी, उसी बैटरी से का जो पार्ट होता है उसी से आप कर दीजिए, हो जाएगा, सही हो जाएगा पूरा आपका यूज करने लायक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आकांक्षा। यस सर, चलिए मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? गेट कितना है आज? खुद से बताइए भाई, ज्यादा आवाज नहीं आ पाती है। क्या बोले सर? हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ आ रही है आवाज आपकी। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, लिखिए। क्या लिखा है आपने? दिनांक आज है 10 10। राहुल हाथ धीरज किए, हाथ को नीचे कर लीजिए। Thank you.
आकांक्षा लाइट जल रहा है कहीं से सामने एकदम आ रहा है बोर्ड पे अभी भी है सामने से लाइट है क्या कोई और कोई नहीं हल्का सा गया दरवाजा खिड़कियों किसी को बंद करिए तो क्या सर दरवाजा या खिड़की का सीधा उस पे जा रहा है लाइट है या दरवाजा है सीधे बोर्ड पे ही जा रहा है बस ठीक है ठीक हो गया ठीक है अब टाइमिंग देखते रहना बेटा एक आप लोग कोई यस सर आप करो बेटा मनीष सर फीडबैक लिख रहे हैं आप लोग का हाथ से नहीं मिटाना है आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ के बारे में त्रिकोणमिति के बारे में क्या है चायों के बारे में अध्ययन करते हैं दिख रहा है आप सबको कुछ भी नहीं दिख रहा है मैम नहीं दिख रहा है आवाज भी नहीं आ रही है क्लियर आज हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति के बारे में नहीं दिख रहा है किसी को कैमरा के बोल के लिए ओके ओके त्रिकोणमिति के बारे में त्रिकोणमितीय गणित की वह शाखा जिसमें दूरियों अथवा ऊंचाइयों के बारे में अध्ययन करते हैं त्रिकोणमिति नहीं दिख रहा है मैम एक्चुअली मेरा कैमरा बहुत दूर हो गया है बोल कर लिखिए ना मैम कस कर बोलिए कस नहीं सुनाई दे रहा आप लोग को दे रहा है लिखने वक्त कस के बोलिए त्रिकोणमिति को सुनाई दे रहा है दे रहा है त्रिकोणमिति को इंग्लिश में अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं
यस मैम दे रहा है। ड्राई का अर्थ होता है फूल। दोनों का बताया गया है ना ऊपर से मिटाते जाओ, जब नीचे का हो जाता तो ऊपर से मिटा दिया कीजिए, ऊपर का मिटाइए जितनी आवश्यकता बस। ऐसे मिटा जाता है सबको मिला के लिख सकते हैं। अब इसमें शब्द आता है त्रिभुज, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, अध्ययन किया है त्रिकोणमिति में। ये होता है कर्ण, ये होता है लंब, ये होता है आधार। ये तो निश्चित का सूत्र होता है त्रिभुज के बीच का साइन थीटा, साइन थीटा बराबर ये 90 डिग्री का होता है इसके सम्मुख, साइन थीटा बराबर क्या होगा डबल बाई डबल बाई एसी बाई एसी एम नाम बेटा डन।
साइंस का जस्ट ऑपोजिट होता है कोसेक थीटा। टेन थीटा बराबर कर्ल बाय साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा बराबर इसका उल्टा उल्टा आ जाएगा। बोल दो भाई, कोई किसी को दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है सर, कैमरा इनका गड़बड़ है क्या, मोबाइल का कुछ दिखाई दे। अब सीधा करो, दिखता तो कहते हैं बहुत कम दिख रहा है, बहुत कम दिखता है सर, धुंधला टाइप में दिख रहा है थोड़ा सर। खिड़की खोल रहे तो ज्यादा फोकस पड़ जा रहा है। चलो कोई बात नहीं है, काफी प्रयास किया। टाइम कितना हुआ था राहुल लगभग इनका? सर नहीं खाए, कितना टाइम हुआ सर? 13 मिनट हुआ है सर। कितना? 13 मिनट, 13। चलो आकांक्षा, काफी अच्छा प्रयास था आपका, लेकिन वही है कि जब हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था इस वजह से हम लोग फीडबैक उस हिसाब से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा। लेकिन खुद से अच्छा प्रयास करिए और कोशिश करिए कि जितना अच्छा लिख पाए। छोटा थोड़ा सा लिख रही थी, थोड़ा सा उसको बड़ा करें। ओके सर। हाँ, जो साइज है आपका दो वर्डों का उसको करें, थोड़ा सा फिगर विगर जो भी है अगर आप बनाई हैं उसको सीधा कीजिए, क्योंकि चार बार आप मिटाई हैं कम से कम एक फिगर बनाने को, सम त्रिभुज बनाने इससे बहुत है ना, स्केच हैबिट नहीं है सर। तो प्रैक्टिस करेंगे तो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आप दो बार चार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि टीचिंग जब करेंगे तो उसमें करना ही होगा, तो आप इसको करिए तो अच्छा हो जाएगा। चलिए, और मनोरमा करने के लिए तैयार हैं या बंद करें क्लास, बताइए? नहीं सर, हम अभी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कोई बात नहीं है। चलिए, तब नेक्स्ट दिन हम लोग जब मिलेंगे तो प्रोबिंग क्वेश्चनिंग जब होगा तो उस दिन हम लोग प्रोबिंग क्वेश्चनिंग के लिए रहेंगे, और आप लोग तैयार हो जाइएगा पूरी तरह से। दो दो लेसन प्लान, कम से कम एक लेसन प्लान तो कंपल्सरी, और मान लीजिए रीटीच होता है तो उसके लिए दो लेसन प्लान तैयार कर लीजिएगा, और कंसल्ट टीचर है, नहीं रहेगा कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा, ठीक है? कोई चीज ऐसा चीज जो नहीं समझ में आता है तो आप एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा या हमें ही मैसेज डाल दीजिएगा, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सलूशन उसका किया जा सके, ठीक है? घर पे रहिए सब लोग, सुरक्षित रहिए। ऑफ किया जाए क्लास फिर कल के स्किल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए ना। प्रोबिंग क्वेश्चनिंग सर, उसको हम सुन नहीं पाए थे उस दिन सर। अच्छा, सुन नहीं पाए थे, ठीक है, कोई बात नहीं। आप चले जाइएगा YouTube चैनल पे, कॉलेज का YouTube चैनल है ना? जी सर। उसी में जाइएगा, प्रोबिंग क्वेश्चन खोल करके उसको पढ़ लीजिए, उसको चालू कर लीजिएगा। फिर भी नहीं समझ आएगा फिर कॉल करिएगा हमको, सर ये चीज हमको नहीं समझ आ रहा है, फिर हम बता देंगे, ठीक है? देख लीजिए और उसके कंपोनेंट्स को देख लीजिए,
कि क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या चीजें कह रहा है। पहले सबसे पहला काम यही होता है स्किल में, पहले कंपोनेंट्स को पढ़िए, जो उसके घटक दिए हुए हैं, घटक को 3 बार 4 बार 5 बार उसको पहले पढ़िए कि क्या क्या चीज होता है इसमें, उसके बाद फिर आइएगा आकांक्षा, अच्छा होगा। और दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि सबका बेहतर हो रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल सबका बढ़ रहा है। अच्छा, अपने से खुद से बताएंगे, मनोरमा आज आपको कैसा लग रहा था पिछले दिनों के अपेक्षा? सर डर नहीं लग रहा था सर। आज डर नहीं लग रहा था, आज डर कम था ना, चलिए ठीक है। आकांक्षा आपको? यस सर, यस सर, पहले से तो बहुत अच्छा हो रहा है। पहले से अच्छा हो रहा है, खुद से लग रहा है, फील हो रहा है इस चीज को? जी सर, जी सर। नीतू? जी सर। कैसी कंडीशन थी आज पहले दिनों से? सर अब उतना डर नहीं लगता है सर, अब मतलब लगता है हाँ चलो अब कर लेंगे, अब कर लेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल जग गया है ना? जी सर। ठीक, अब हेजिटेशन नहीं होता है। राहुल? यस सर। क्या कंडीशन है आज की? सर पहला दिन बहुत हिचकिचाहट लगता था सर, सस्पिशन जैसा, अब ठीक है सर। अभी ठीक है, अभी और आवश्यकता है? जी सर, अभी और आवश्यकता है। सरिता कुमारी कहाँ चली गई? चलिए संभवतम क्या है कुछ है, एक लोग और कौन जुड़ा भाई? राहुल। चलिए फिर क्लास ऑफ किया जाए आज का? यस सर। चलिए ठीक है, सब लोग अपने यहाँ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, इधर उधर मत घूमिए कोविड को बचा करके। ठीक ठीक है, ओके बेटा।